नैसर्गिक सुंदरता से युक्त ये कंदराएं, जहाँ पर कभी आदिवासी तपस्वियों ने तपस्या की और योग किया, योग अभ्यास किया, ये देखिए प्राकृतिक सुंदरता अपनी चरम सीमा पर है यहाँ पे। और ये प्राकृतिक कलाकृतियाँ ये देखो आप, देखिए देख सकते हो ये पूरी गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सुरेश आदिवासी उधर जा रहा है, और ये देखो आप, प्रकृति से बड़ा कारीगर कोई नहीं हो सकता। प्रकृति माँ जैसे चाहे वैसे ढाल सकती है अपने आप को यहाँ पर। ये देखो आप, यहाँ पर कभी तपोभूमि हुआ करता था, ये स्थान आदिवासी गुरुओं की तपोभूमि हुआ करता था। ऊपर आज भी इसके अवशेष मिलते हैं, आदिवासी गांव आज भी ऊपर अपनी पुरखों की सभ्यता को, पुरखों की संस्कृति को संजो हुए हैं। और ये देखो उधर प्राकृतिक झरना है जो तकरीबन 300-350 फीट ऊंचाई से गिरता है। देखो जोहार प्रकृति, जोहार आदिवासी, जोहार आदिवासियत। ये देखिए मन को मोह लेने वाली सुंदरता, ये हरियाली से आच्छादित पहाड़ियाँ, दर्रे, ये देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। ये देखिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रकृति।